इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो जुड़ी है मौसम से। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ज्यादा पड़ेगी बारिश। हालांकि इस सीजन के मॉनसून से पहले भी आईएमडी ने इस बात का अंदेशा जताया था। आईएमडी की ओर से ऐसी खबरें आई थी कि इस बार मॉनसून सामान्य से अच्छा रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सामान्य तौर पर सितंबर के आखिर आते आते बारिश हल्की हो जाती है और लगभग पड़ना बंद हो जाता है, लेकिन इस बार सितंबर के आखिरी हफ्ते तक बारिश पड़ेगी और हो सकता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी बारिश का दौर जारी रहे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार बारिश ज्यादा होगी और लंबे समय तक होगी। आईएमडी ने इस मॉनसून सीजन से पहले भी इस बात की संभावना जताई थी कि इस बार बारिश सामान्य से अच्छी रहेगी, एवरेज से अच्छा मॉनसून इस बार रहने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई थी। अब मौसम विभाग का कहना है कि बारिश सितंबर के आखिरी हफ्ते के अलावा अक्टूबर के पहले हफ्ते तक बारिश हो सकती है। मौसम से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ला नीना का असर इस बार पड़ सकता है और ज्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ला नीना का असर रहेगा जिसकी वजह से ज्यादा ठंड पड़ेगी। हालांकि ला नीना का स्टेटस क्या रहेगा यह मॉनसून खत्म होने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की ओर से इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है कि ला नीना के एक्टिव होने की वजह से इस सीजन ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं मौसम की, तो 3 सितंबर को गुजरात में बारिश से थोड़ी हल्की राहत रही और गुजरात के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट हटके ऑरेंज अलर्ट हो गया है। हालांकि बारिश का दौर अभी जारी है, लेकिन पिछले कई दिन से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, थंडर स्टॉर्मिंग की घटनाएं हो रही थी, बाढ़ जैसे हालात जो बने हुए थे लगातार, उसमें थोड़ी सी राहत है। हालांकि पूरी तरह से रेड अलर्ट नहीं हटाया है, लेकिन कुछ हिस्सों में बारिश से हल्की राहत मिल गई है। इसके अलावा अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है, इसे लेके मौसम विभाग ने वॉच की स्थिति बनाई हुई है। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश है, इसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है 4 सितंबर के लिए। साथ ही साथ चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश को लेकर वॉच की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा राजस्थान में भी 4 सितंबर को बारिश होगी, राजस्थान के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में भी बारिश होगी 4 सितंबर को। साथ ही साथ अगर बात करें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश को लेकर वॉच की स्थिति बनी हुई है। ओडिशा में मौसम सामान्य रहेगा, यानी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 4 सितंबर को वॉच की स्थिति बताई हुई है मौसम को लेकर, बारिश को लेकर। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।